एक मुसलमान बच्चे की भी लिंचिंग होती है तो वो गलत है, लेकिन हजारों हिंदू बच्चियों के साथ लव जिहाद होता है, आप उसको डिनाई कैसे कर देते हैं? आप ये कैसे कह देते हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं है? भारत किसी राजनीतिक दल से नहीं चलता है। अगर हमारी देश की बच्चियों के साथ लव जिहाद हो रहा है तो हम उसको लव जिहाद बोलेंगे। This comes from BJP, I know it. Yeah, this is very wrong. This is very wrong. Yes, you are. I can file your case against you. You know who I am? I am a journalism student. You can't question me right now here. I am paid actor. ऐसा हिस्सा देखा होंगे आप, पूरी डिबेट देखेंगे, डिबेट बहुत ही मतलब निचले लेवल पर जा चुके हैं ये शोएब जैमई और मौलाना रशीदी जैसे लोग, और इन लोगों को डिबेट में लाना भी डिबेट की वैल्यू ख़राब करना है, बट डिबेट में लाएंगे तब ही इनका, क्योंकि ये अपनी जो इनकी कम्युनिटी है उसके प्रतिनिधि और एक रियल सोच रखते हैं, जो इनकी सच्ची सोच है वही सामने आती है। तो पहले पूरा वीडियो देखते हैं इन जाहिलों को, फिर बात करते हैं वीडियो के बाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। हमें हमारे ऊपर फोकस करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, ठीक है? ये स्पेशल कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद मेरा सवाल सर ये है कि कैसे आप लोग किसी को डिफेंड कर सकते हैं? अगर वो मर्डरर है तो मर्डरर ही रहेगा। दूसरी चीज, डिफेंड तो किसी ने नहीं करा यहाँ पर, व्हाटएवर, डिफेंड तो किसी ने नहीं करा। प्लीज आप क्लैरिफाई कर लीजिए पार्लियामेंट के अंदर 2020 में। अरे यार सुन लो भाई, बोलिए सर, बाबर को जीजा बना दिया भारत का, क्या बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर 2020 में भारत सरकार के मंत्री जी किशन रेड्डी ने लिखित में लिखा, कहा कि यहाँ से भारत सरकार नहीं मानती को कोई लव जिहाद होता है, कोई एक्सटेंडेड लॉ नहीं है। और कोई केस जो यहाँ, एक केस भारत का बता दीजिए जहाँ पे जज ने लव जिहाद की बात की। जितने कैजुअली आपने, भारत सरकार के मंत्री ने कहा सर, वो होम मिनिस्ट्री में थे। ये गलत तरीका है आप बोलो सर बैठिए। तो ये जो आपका ब्रेक को भी बोलने दे रहे बहुत अच्छी बात की, ये ब्रेन वॉश। आप एंकर की बात मान नहीं रहे, आप लॉ की बात मानेंगे? आप एंकर की बात यहाँ खड़े होकर मान नहीं रहे, आप कानून की बात मानेंगे? बताइए सर, इशरत याद है? इशरत को पुष्पेंद्र ने मार दिया लखनऊ में, यही सितंबर। बिल्कुल, वो भी गलत है। इशरत याद नहीं? इशरत को, अगर इशरत को पुष्पेंद्र ने, अरे इशरत मरे, इशरत मरे या इशिका मरे, गलत दोनों है। सब रही अब आप धर्म ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये ओछी मानसिकता और गिली राजनीति है। इशरत को अगर मत चलाइए, कहिए कि स्पीडी ट्रायल सर क्या कलर फार दे रहे थे वो बोलने, जस्टिस को श्रद्धा बोलिए, ब्रेन वॉश करने का तरीका, जस्टिस को श्रद्धा होनी चाहिए। ब्रेन वॉश ऐसे ही करते हैं लोग। अगर 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 इशरत, आप देख लीजिए आपका यही एजेंडा रहता है, अपनी बात तो रखिए। पेड एक्टर हैं बीजेपी, आप भी तो 1000 डिबेट पर आते हैं। हमारा पेड एक्टर, अगर मेरा पेड एक्टर कम्स फ्रॉम बीजेपी, आई नो इट। यस, दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। यस यू आर, आई कैन फाइल योर केस अगेंस्ट यू। यू नो हु आई एम? आई एम अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, यू कांट क्वेश्चन मी राइट नाउ हियर। पेड एक्टर, आई एम पेड एक्टर। यस यू विल गिव मी सर्टिफिकेट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पब्लिक नहीं है यार, चल झूठा। प्रॉब्लम ये है, बस फालतू बात, बड़ी सीधी सी बात है। एक बार ध्यान से सुनिए भैया, ये लड़ाई दो धर्मों की नहीं है, हिंदू मुस्लिम की नहीं है। आदिकाल से देखिए, पहले सुर असुर लड़ते थे, देव दानव लड़ते थे, मानव रक्षस लड़ते थे, अब हम उसको बाद में कहने लग गए हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है, दो संस्कृतियों में युद्ध पहले भी था, दो सोच में युद्ध पहले भी था, वो कंटिन्यू है, आज भी है। अब कभी आफ्ताब श्रद्धा बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है। अमीश, मैं दोबारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर हिट करूंगी, मैं उस पर हिट करूंगी। मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये जो साइकोपैथी होती है इसको मैं एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद भी साइकोपैथी करते हैं, अपराध भी साइकोपैथी करते हैं, एक देश को दूसरे देश से लड़वाते भी साइकोपैथ्स हैं, जितनी भी साइकोपैथी करते हैं, मॉब लिंचिंग भी साइकोपैथ करते हैं। Exactly. लेकिन मॉब लिंचिंग एक केस, दो केस, 135 करोड़ पॉपुलेशन में, उसको जनरलाइज मत करिए। लव जिहाद अभी इसमें लेकिन क्यों कर रही हूँ? अरे मैं क्यों लेकिन कर रही हूँ रशीदी साहब, क्यों लेकिन कर रही हूँ? सुन तो लीजिए, मैं इसलिए लेकिन कर रही हूँ, एक मुसलमान बच्चे की भी लिंचिंग होती है तो वो गलत है, लेकिन हजारों हिंदू बच्चियों के साथ लव जिहाद होता है,
आप उसको डिनाई कैसे कर देते हैं? अरे भारत कैसे कह देते हैं खिलाफ जिहाद होता ही नहीं है? भारत किसी राजनीतिक दल से नहीं चलता है। अगर हमारी देश की बच्चियों के साथ लव जिहाद हो रहा है तो हम उसको लव जिहाद बोलेंगे। अभी कहा जा रहा था कि भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार ने नहीं बताया तो हम नहीं मानेंगे। भारत सरकार ने सीए दिया, आपने माना? माना तब तो बैठे थे 5 महीने सड़कों के ऊपर। अब भारत सरकार का इंतजार कर रहा है आपके लिए, लव जिहाद के लिए भारत सरकार का इंतजार कर रहे हो। सीए जब आया तो माना था ओके, सीए को आप मानते हैं ना? ओके, सीए को आप मानते हैं ना? अबे साले जब माफ करना, अरे सीए को आप मानते हैं ना तो इसको भी मान लो। सीए को अगर आप मानते हो तो इसको भी तो मानो। अच्छा ठीक 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 है ओके। देखिए हमेश आपने आखिरी 4 मिनट जो कंपैरिजन किया है ना ये ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी कानून लाती है। अब किसानों के खिलाफ कानून आया तो उन्होंने भी धरने प्रदर्शन किए ना, उन्होंने भी धरने प्रदर्शन किए। कोई भी कानून किसी के खिलाफ आएगा तो वो धरना प्रदर्शन, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड सर, बड़ा हरामी हो बेटा। आप जैसे अफसरों की वजह से दंगे होते हैं, जिनकी सोच ये है, जिनकी सोच दंगे होते हैं, सीए एनआरसी के दंगों के जिम्मेदार पार्लियामेंट ने पास किया था सीए एनआरसी मुसलमानों ने दंगा किया। आप कानून की बात करते हैं, आप कैसे कैसे नाम नहीं लिया? मैंने कहा सीए एनआरसी के दंगों के लिए कौन जिम्मेदार? शर्म आनी चाहिए, आप लोग जिम्मेदार हो, इनको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 60 लोगों को मार दिया आप, दंगों को मुसलमान से लोग मारे गए, आप दंगों को मुसलमान से जोड़ रहे हैं, नहीं दंगों को धर्म से जोड़ रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? अरे कहना क्या चाहते हो अमीश? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ, राजनीतिक दलों की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। सरकार उन बात को उस बात को मानती है जिस बात को समाज मानता है। मैं पूरे देश से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे देश की बच्चियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, अलग अलग चेहरे बदल कर हो रहा है। कहीं पे उनको मुसलमान बनाया जा रहा है इस्लाम फैलाने के लिए, कहीं पर उनको ईसाई बनाया जा रहा है क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। हमें जिस दिन देश लव जिहाद को मान लेगा, सबसे पहला फर्क अरे भाई बार बार आप करोगी तो लव जिहाद नहीं। महाराष्ट्र में रूपाली को का गला काटा गया था, उसके बुर्का नहीं डाला था, वो क्या बात सुनी आपने? वो क्या मान सकता में गई? मैं कह रहा हूँ कि जो भी लोग हैं चाहे प्रीति शर्मा ने फिरोज का कत्ल किया हो, बैग में उसकी बॉडी को रखा हो, चाहे रूपाली का हो, दोनों की दोनों मानसिकताएं ये संदेश देती हैं। और बेटी और मैंने एक चीज बोलना चाहूंगा, इन जाहिलों का, शोएब जमाई का आपने अभी वीडियो देखा होगा जिसमें बात कर रहा है भारत पाकिस्तान मुसलमान और भारत तीनों देशों के मुसलमानों को एक करके इनका एक अलग प्लान बन रहा है। इन लोगों को एक तो शायद रिजवान अहमद जैसे लोग ही सुधार सकते हैं, और सुधारना आपको है, क्योंकि मुसलमानों की मैंने एक चीज़ देखी, मुसलमानों की आबादी आप अपने आसपास देखेंगे दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ गई, पिछले 10 साल के मुकाबले आप अभी देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनके बच्चे एसी रिपेयर करेंगे, मोटरसाइकिल सुधारेंगे, कार रिपेयर करेंगे, पेंटिंग पुट्टी यही सब काम करेंगे, और इनका एक ही है कि बच्चे पैदा करो और सीधा इन काम में लगाओ, पढ़ाई वढ़ाई का कोई वो प्रेशर नहीं। तो इस तरीके का सीन रहता है, इन्होंने बच्चों को पहले ही से ब्रेन वॉश कर दिया कि आगे चल के तुम्हें ये करना है। ये अपने केवल धर्म को बढ़ाते हैं, इनको बस इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। इस चीज़ में कोई बुराई ना होती अनटिल अनलेस इनके जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें ये ना लिखा रहता कि मूर्ति पूजा काफिर और क्या क्या फलाना ठिकाना लिखा है। आप भारत के मंदिर देख लो, जैसे जी औरंगजेब लोगों ने क्या किया है, तो उसके हिसाब से तो आप देखो तो इनकी सोच कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि आप किसी चीज़ को सीख सकते हो लेकिन उसको भुलाना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपने एक बार आपके ग्रंथ ने सिखा दिया कि काफिर हमारे लिए वही है, जैसे इनका जाकिर नायक नहीं कहता कि काफिर जहां मिले उसे वहां मारो, अब ये लोग बोलेंगे काफिर का टर्म ये लोग अपने हिसाब से सेट करना चाहेंगे, मूर्ति पूजा किनके हिसाब से, लेकिन सबको सब कुछ पता है कि इनके अंदर कितनी नफरत है। गांधी नेहरू शायद 1947 में समझ जाते तो शायद ये देश की गंदगी जो थोड़ी सी उस टाइम पे थोड़ा सा था आज इतना बड़ा ना होता, तो ये गंदगी अब हमारे देश में कोनों कोनों में फैल गई है। अब आपको क्या कहना है, शोएब जमाई जैसे लोगों की सोच सामने आती रहती है, तो क्या कहना है इनको, कैसे सुधारा जाए, कैसे इनको क्या किया जाए।